पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख पर आज निर्णायक फैसला हो सकता है। चुनाव आयोग आज पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। चुनाव की घोषणा के बाद जानकारी मिल पाएगी कि किस राज्य में कितने चरण में और कितने कितने तारीखों को वोटिंग होनी है। साथ ही नामांकन स्क्रूटनी परिणाम के तारीखों की भी जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इधर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के बीच एक राज्य चुनाव आयोग के लिए चुनौती बन गया है। दरअसल मणिपुर में अब तक मात्र 45% से कुछ ज्यादा लोगों को कोरोना के दोनों डोज लग पाए हैं, जबकि मात्र 57% लोगों को पहला डोज लगा है। ऐसे में संक्रमण के खतरे की आशंका और बढ़ रही है, जो आयोग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। जी ज्योति, देखिए आज विधानसभा चुनाव के जो तारीखों का ऐलान होना है, ऐसा बताया जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने उसके तारीखों का ऐलान हो सकता है। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश चुनाव जो होने हैं उस पर लगी हुई, आज मतलब निर्णायक फैसला आ सकता है, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल आयुष्री, देखिए आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और देखिए कोरोना काल के बीच में जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग की एक बहुत ही बड़ी टेंशन थी कि कैसे और कितने चरणों में ये चुनाव कराया जाए। तो उसे लेकर लगातार मंथन का दौर जो था वो जारी था, बैठकों का दौर जारी था। बार बार चुनाव आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी और चुनाव आयोग के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ये बैठक चल रही थी और ये इंतजार था कि कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है कि कितने दिनों में चुनाव की तारीखें आ सकती हैं। तो देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है चुनाव आयोग करने जा रहा है, और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी मिली है कि कितने राज्यों में और पांच राज्यों में कितने चरण में जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं। और देखिए पांच राज्यों में चुनाव है, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में ये विधानसभा चुनाव होने हैं। और पांच राज्यों में से चार राज्यों में एनडीए की सरकार है, यूपी में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गोवा में प्रमोद सावंत और मणिपुर की बात करें तो नोंगथोम्बन बीरेन सिंह, और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो इस वक्त वहां पर मुख्यमंत्री। और ऐसे में इन पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव जो होने हैं आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और आज ही वो तारीख भी आ जाएगी कि रिजल्ट किस दिन घोषित किए जाएंगे, वो डेट भी आज आ जाएगी। उसके अलावा कितने चरणों में ये चुनाव होता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने निकल के आ रही थी वो ये था कि यूपी में 6 से 8 चरणों में होगा, और वहीं मणिपुर और गोवा में एक चरण में ये चुनाव जो है वो कराए जाने की बात सामने निकल के आ रही थी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कितने चरणों में ये चुनाव होगा, रिजल्ट किस दिन घोषित किए जाएंगे। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो चुनाव आयोग करने जा रहा है। और आयुष, इस वक्त हम चुनाव आयोग में भी है, हलचल देखिए लगातार हो रही है, वक्त थोड़ा ही बचा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 3:30 बजे होने वाली है। क्योंकि देखिए चुनाव आयोग की टेंशन जो है वो एक राज्य को लेकर है, यानी कि मणिपुर, क्योंकि मणिपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर सिर्फ 45% वोटर ऐसे हैं जिनको डबल वैक्सीनेशन जो है जिनका हो चुका है। लेकिन ऐसे में कोरोना लगातार पैर पसारते हुए दिखाई दे रहा है, और मणिपुर ऐसा राज्य है जहां पर जो कोरोना की संख्या में मरीज जो है वो लगातार सामने निकल के आ रहा है, और ऐसे में डबल वैक्सीनेशन की संख्या कम है, तो वहां पर भी चुनाव आयोग की जो टेंशन है उसको लेकर भी है। लेकिन यूपी में काफी बड़ा स्टेट है यूपी, और ऐसे में कितने चरणों में होता है, क्योंकि अगर हम पिछले साल 2017 की बात करें आयुषी, तो वहां पर 6 चरणों में ये चुनाव हुआ था। लेकिन अभी कोरोना की स्थिति जिस तरीके से भयावह होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में चुनाव आयोग कितने चरणों में ये जो इलेक्शन है वो कराता है ये देखना होगा। उसके अलावा उत्तराखंड भी है, पंजाब भी है, तो पांच राज्यों की तारीखों का ऐलान जो है वो आज दोपहर 3:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जाएगा। जी शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज निर्णायक फैसला हो सकता है, पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर आज चुनाव आयोग निर्णायक फैसला कर सकता है कि कब चुनाव